हेलो बिल्डिंग्स, आइए बेटा आगे पढ़ के पढ़ाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हमारा चलाता है ना, रासायनिक अभिक्रिया हमारा टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हम लोग योगात्मक अभिक्रिया से। योगात्मक अभिक्रिया इन्हीं को संयोजन अभिक्रियाएं बोलते हैं, एडिशनल रिएक्शन कहते हैं। एडिशनल रिएक्शन, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है कि जब दो यौगिक, कितने यौगिक, दो यौगिक, जब दो यौगिक अभिक्रिया करते हैं, जब दो यौगिक क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और वो दो यौगिक अभिक्रिया करने के बाद किसी एक नए यौगिक का निर्माण, जब दो या दो से अधिक यौगिक अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करें, उस एक यौगिक के निर्माण होने पर जो रासायनिक अभिक्रिया बनती है उसे अभिक्रिया कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। उसको क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी आपने NaCl2 पढ़ा था, है ना, तो आइए उसी की बात हल्की सी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ Mg+Cl2, क्या बनेगा? MgCl2, ठीक है। ये किस अवस्था में? सॉलिड। ये किस अवस्था में? गैस। और ये क्या बनेगा? सॉलिड ही बनेगा। बैलेंस है क्या? ये देखिए, यहाँ पे एक मैग्नेट, मैग्नीशियम अपकारक में, और सॉरी उत्पादक में, मैग्नीशियम अपकारक में भी एक मैग्नीशियम है, अपकारक में दो प्रोटीन है, तो उत्पादक में भी, उत्पाद में भी दो प्रोटीन है। इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हुआ? मैग्नीशियम क्लोराइड। यही है योगात्मक अभिक्रिया। और पढ़ना चाहिए, देखिए कैल्शियम प्लस O2, ये भी किस अवस्था में? सॉलिड है। ये किस में? गैस में। बनेगा क्या? CaO। ये किस अवस्था में आएगा? सॉलिड में। ये क्या है? कैल्शियम। ये किस, ये क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये जब भी आपको प्राप्त होगा सफेद चूर्ण के रूप में प्राप्त होगा। दो है ऐसे, एक ये हो गया और एक होता है NgO। ये भी आपको जब भी प्राप्त होगा सफेद चूर्ण के रूप में प्राप्त होगा। गौर से देखिए कितने हैं? दो अभिकारक यौगिक, मतलब अभिकारक कण कितने हैं? दो, है ना। और वो मिलकर एक, मिलकर एक उत्पादक का, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो मिलकर एक का निर्माण करते हैं। अब कहीं पर तीन मिलकर एक का निर्माण करते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरीन प्लस O2। ये किसमें है? सॉलिड में। ये किसमें है? गैस में। ये किसमें है? गैस में, ठीक है। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उत्प्रेरक प्रौद्योगिकी क्या हो सकते हैं? धात्विक ही होते हैं। अब क्या बनेगा? अभी आपने यौगिक लिखा है KClO3, KClO3। बैलेंस कर दीजिए इसको, यहां पे आप लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2, ये क्लोरीन बैलेंस है, ये हो जाएगा 6, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 6। ये पोटेशियम का, ये क्या है? पोटेशियम है। ये क्या है? क्लोरीन है, क्लोरीन गैस, है ना। ये क्या है? ये है ऑक्सीजन गैस। ये क्या है? अभी हमने इसका, अच्छा आपको नहीं पता, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट। ये क्या बना? पोटेशियम क्लोरेट। ध्यान से पढ़िए बेटा, ये है पोटेशियम क्लोरेट। तो ये देखिए इसमें कितने हैं? तीन अभिकारक हैं, एक दो तीन, और तीनों आपस में जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक ही उत्पाद। अगर दो होते तो इस अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? तीन हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहा जाएगा, एडिशनल रिएक्शन कहा जाएगा। और इसी रिएक्शन को, इन सारी रिएक्शन को या योगात्मक रिएक्शन को ही क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया है। क्या कहा जाता है बेटा? संयोजन अभिक्रिया है। ये अच्छे से आप नोट कर लीजिए।
और अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, टॉपिक नहीं मतलब अगले रिएक्शन पर, अपघटन अभिक्रिया पर। योगात्मक पढ़ लिया, उम्मीद करते हैं समझ लिया, अब पढ़ते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया यहाँ पे कितने सोडियम लिखे हमने
दो, तो आपको यहाँ पे कितने सोडियम लिख देने हैं, दो। अब आप गौर से देखिए यहाँ पे बैलेंस हो गई है रासायनिक अभिक्रिया, ये सोडियम दो है, कार्बन कितने हो गए दो, कार्बन यहाँ पे कितने हो गए दो, ऑक्सीजन कितने छह, ऑक्सीजन कितने हैं छह, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दो, हाइड्रोजन कितने दो, रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गए। और ये अभिक्रिया किसके द्वारा हो रही है, अब ये अपघटन समय देखिए एक यौगिक दो से अधिक यौगिकों में डूब गया, ये अपघटन हुआ, अपघटन हुआ ऊष्मा के द्वारा, इसलिए जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अब बात करेंगे विद्युत के द्वारा, विद्युत के द्वारा जब हम तोड़ेंगे तो इसका मतलब ये आप इसके लिए विद्युत अपघट्य पदार्थ होना आवश्यक है, विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो ये बेटा आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, आज ये पढ़ लीजिए जल्दी से। इलेक्ट्रोलिसिस आज आपको ये पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस ये क्या है, नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे वाली क्रिया नहीं दिखाई दे रही, ये वाली क्रिया के लिए यहां पे लिख देते हैं, जल्दी से देख लीजिए, Ag + Cl2 बनेगा क्या, AgCl, Ag + Br2 बनेगा क्या, AgBr, है ना। इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। ये वाले अभिक्रिया सिर्फ ये वाले AgBr2 बैलेंस कर लीजिए इसको, दो यहां पे, दो ये, दो यहां पे, दो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग की जाती है। ये बेटा जो आपने हमने अभिक्रिया छोड़ी है ये इसलिए नहीं छोड़ी कि इसको पढ़ना पड़ेगा, ये इसलिए छोड़ी है आपको ये पूरे वीडियो में अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोटीन रिएक्शन के माध्यम से आपको समझ में नहीं आएगा, तो हमारी जिम्मेदारी की आपको समझना, ठीक है। तो आप ये दो रिएक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, एक ऊष्मा के द्वारा अपघटन तो ऊष्मीय अपघटन, एक प्रकाश के द्वारा अपघटन तो प्रकाशीय अपघटन, और जो विद्युत की उपस्थिति में होता है अपघटन वो विद्युत अपघटन कहलाता है, उसके लिए किस प्रकार के पदार्थ होना आवश्यक है, विद्युत अपघट्य पदार्थ होना आवश्यक है। तो आप अगर आपको समझ में आया बेटा आप नोट कर लीजिए, बाकी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, जितना भी अब तक पढ़ाया जा चुका है आप उसका रिवीजन अच्छे से करते रहिए, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है, पिछला भी आपको आना चाहिए और जो आगे पढ़ाएंगे या पढ़ा रहे हैं वो भी आपको आना चाहिए, बाकी आपको अगले